बर्दाश्त नहीं, की कहीं भी नहीं, हमारी अध्यक्ष अध्यक्ष की तरफ नहीं, मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें जनता पार्टी मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे भाई, मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा, अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे, पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं, कहीं भी नहीं, हमारी अध्यक्ष अध्यक्ष की तरफ नहीं, मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए, ये हमारा, हमारी सोच है और ये मूल का होगा तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं शुरू से इसका आग्रही रहा हूँ, तो मुझे जेपी से जो प्रेरणा मिलती रही है और उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपने बाकी जीवन में तय किया है, और चूंकि ये हमारा जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, जो भागलपुर और जो बाद के कर्मभूमि हमारे बक्सर जो तपोभूमि के रूप में है, हमारे पूर्वजों की भी भूमि रही है, भगवान श्री राम की पराक्रम की भूमि, ये भूमि हमसे कभी छूट नहीं सकता। ये दोनों ही मेरे जीवन के लिए बहुत ही, कहा जाए, प्रेरणा का केंद्र। और मेरे जीवन में मैंने बाकी अपने शेष भाग को समाज सेवा में लगाने का व्रत लिया है और चुनावी राजनीति से मैं दूर रहूंगा। चुनावी राजनीति में ना रहते हुए मैं सक्रिय राजनीति का कार्यकर्ता के रूप में, बिना किसी पद और का लोभ होते हुए, किसी पद की इच्छा नहीं, समाज सेवा ही हमारा व्रत है। और संगठन जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। मैं कार्यकर्ता के रूप में देश के अंदर और विशेष करके बिहार में और भागलपुर और बक्सर, यह तो हमारे प्राण है, इन क्षेत्रों में मैं लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते हुए संगठन को भी निरंतर गढ़ने का प्रयास रहेगा। और अलग से जो हमारा संकल्प है समाज सेवा का, जो शैक्षणिक आध्यात्मिक, जो सप्त क्रांति जेपी ने कहा था, सात क्रांतियां, जो संपूर्ण क्रांति
जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, ये सात क्रांति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, इसको निरंतर अपने जीवन पर्यंत इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी शक्ति लगेगी। भगवत कृपा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ भी हूँ और अगले 5 वर्षों तक मैं सक्रिय राजनीति में रहने की हमारी पूरी इच्छा है।